जेडे सब पास हो इन्हें केड़े ने माशाल्लाह। सर वीडियो नहीं साड़ी देख रहे जी। सर जी मैं पास हूँ। ओ शहजाद साहब तुसी पास हुए हो, जा सर जी थैंक मेरी तरफ तालियां तुहानू, यू मेहरबान सर, कांग्रेचुलेशन बहुत कांग्रेचुलेशन, शुक्रिया। मुबारकां जी, मुबारकां खैर मुबारक, खैर मुबारक, बहुत मुबारकां। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू, शुक्रिया सर, बहुत तुहानू साहब, मुबारकां जी। थैंक यू, सब ने ज्यादा मुबारक, थैंक यू, सब ने ज्यादा मुबारक साढ़े जगदास किन्नी की जी, देर ला ली। इंशाल्लाह 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 सारे पास होंगे, सारे पास माशाल्लाह, होंगे इंशाल्लाह मुबारक होने पाजी तुहानू। खैर मुबारक, माशाल्लाह जी, थैंक यू माशाल्लाह, बड़ी खुशी दी गल है जी। जी भाई सर। शहजाद साहब, शहजाद साहब बड़ी हिम्मत की माशाल्लाह, कितना टाइम लाया जी? सर जी तकरीबन 8 महीने लगे, लेकिन ओदे विच थोड़ा जा मेरा इंसिडेंट हो गया सी, इस वास्ते मेरा थोड़ा टाइम लगे, अदरवाइज मैं 4 महीने विच तैयार हो गया सा एग्जाम अच्छा, वास्ते। अल्लाह ताला सेहत दे। ठीक ठाक हो गए? सेहत ठीक हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। एक्सीडेंट नहीं सी होया, दरअसल इंसिडेंट ही हो गया सी, जिस तरह ऑक्सी कह देना हाँ, सदमा एक्सीडेंट को प्रॉब्लम आ गई। जा अच्छा, उस दी वजह तो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 4 माह विच हो गया सी तैयार, फिर उस दी वजह तो मेरा जेड़ा तैयार होया सी मैनू भूल भी गया सी, क्योंकि वो मैं लास्ट टाइम मेरे ख्याल है जुलाई विच मैं एग्जाम दिता सी, ओदे विच मेरा एक बार एग्जाम जेड़ा है वो 5 गलतियां हो गया, अच्छा ओला के मेरे मेरे अखां दे सामने मेरा सवाल हो ठीक सी बिल्कुल, अच्छा वो सवाल गलत सी। उस तो अक्सर सिस्टम सवाल हो अल तक मेरे जेहन च, तुसां जना पढ़ांदे हो वो अल तक मेरे जेहन विच है कि वो ओदे नहीं सर दसदे हो जी। आप तुसां ने काफी सारे भूलता बंदे दस्सिया कि को सिग्नल है जेहड़ा ना गोल जां ओब्लिको दा सिग्नल हुंदा है ना, ओदे विच इक साइड ते जानवर तस्वीर बनी है, ते ओदे ओदा मतलब यह है कि इत्थे इस ना मतलब है गुजर हुंदा है ना, इह तां वी है, ते लेकिन ओदे विच इक ऐसा सवाल भी है जेहड़ा गलत है, जिस ते वो सवाल है कि इत्थे जानवर मौजूद ने, समझे ओ सर जी, ओ सवाल मेरा पास मन कंफ्यूज कर गया, मन पता सी गलत है लेकिन मन पता नहीं कोई लगा कि मैं क्यों मैं ठीक कर गया लास्ट टाइम, इस वजह से कोई गल मेरी नहीं। हो गई हसन थी। भाई उठ के बैठ जाएंगे, हसन भाई लेकिन इस ठीक। दफा 38 जेड़े सुनो 100% तो मनु सिक्योर हो सी कि ठीक होए, और दोवां दा मनु दूबी हो एक दो दा कोई नहीं पता बाकी, लेकिन एग्जाम जिस टाइम मैं दिता मनु पता चल गया सी कि मैं पास हो गया, थर्टी अच्छा एट जी, जेड़े थे ना मेरे अलहमदुल्ला पास, मैनू चल गया थी कि 38 मुश्किल सा माशाल्लाह, तुहानू क्लास च बैठे ही आइडिया हो गया कि मैं पास हो जा जाऊंगा। जा अलहमदुल्ला। बस अजय तुहाडी अच्छा मेहनत है ते तुसाने मेहनत कराई है पढ़ाया ते तां समझ आई है, नहीं तो सानू किस तरह समझ आवणा सी, सिर्फ समझना एक बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि मैं टालिया ज्यादा टाइम भी नहीं होया, तकरीबन 3-4 साल हो, अच्छा जी माशाल्लाह, मेरा मनु यह जी कि बहुत मुश्किल है, सिर्फ वो बंदा कर सकता है जिन्हों जुबान आती है, लेकिन असा भी माड़ी ना बड़ी हिम्मत की है, बाकी तुसां दी जिहड़ी है कावश सी दे विच बहुत ज्यादा। चलो जी, तुहाडी भी वाकई हिम्मत है, कल्ले टीचर दी मेहनत नाल भी काम नहीं बनदा, तुसी भी पूरे बिल्कुल हो सर जी, रहे हो, लगे रहे हो, बल्कि बिल्कुल सर तुसी जी, मुश्किल मिजाजी नाल चलते रहे हो, ये भी बड़ी गल है। बिल्कुल स्थानको सर। नहीं होए, दिल तंग नहीं होया, दिल तंग तो होया होना बड़ी बारी, नहीं सर जी, दिल सदमा तंग होंदा भी सी नहीं भी सी होंदा, असल देखो सुबह सुबह 6 बजे सुबह काम तो जाना है, दिन में 2 बजे आके फिर नमाज पढ़नी होती है, फिर 3 बजे क्लास का भी टाइम हो जाता है, आया। फिर हाँ खाना खाना होता है, अच्छा तुम्हें पता है कल इतने रहने फैमिली भी दे, उस वजह से जी थोड़ा जा बड़ा डिस्टर्ब होया सिस्टम जेड़ा ना, लेकिन यह है कि वो जिंदगी का एक हिस्सा है सर जी, यूरोप च रहने वास्ते ये जिंदगी ना, जिसका मैं सो सुजोर ना साढ़े वास्ते लाजमी है, पता है भी लाजमी पर ये माशाल्लाह, हर बंदे को होना चाहिए है। गुड गुड गुड। मुश्किल केड़े चैप्टर तां लगे, फिर उन्हां दा की इलाज कीता सर? सर जी मुश्किल जेड़े लगे ना जो निशानियां निकल आई सर, यकीन करो एग्जाम जिस टाइम मैं कीता ना एग्जाम च बहुत सारियां निशानियां आई गया, वो जिंदा जो उस दिवाली वाला आ गया विच इधर जो उंगली का तो आ जाए, या फिर वो पेदी वाला आ जाए जना बहुत ठीक कर, उस तरह करके बहुत सारी निशानियां आई गया जेडियां मैं ठीक है बस जी। दो दो लफज देख के सवाल जेड़ा मैं ठीक, मेरा अच्छा मनु इतने ज्यादा मुश्किल नहीं लगे, मतलब है कि मैं सुन को कि मैं मुश्किल लगे, मुश्किल उस टाइम लगता है जिस टाइम बंदा जेकर दोबारा तैयार ना करे रिवीजन ना करे, तो फिर बंदे ने मुश्किल लगना है, बाद उस टाइम दस केदा कर दे कि यार कितु सवाल आ गया, हालांकि वो पढ़िया होता है। आज दे इस इंटरव्यू विच असी स्टूडेंट्स नूं मौका देंगे, वो इस पढ़ाई दे बारे उन्हां दे ज़ेहन च को अगर एक ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है जिदे नाल उन्हां नूं बड़ा फायदा होया, एकदम चेंज आया उन्हां दी स्टडी विच, वो भी अपना मशवरा सलाह दे सकते ने।
मैं तकरीबन एक दो मिनट च मौका देंगा, अपना माइक खोल के गल कर सकते हैं। फेसबुक से साढ़े दोस्त सुनते हैं, असं इंटरव्यू अपलोड कर देने, उन्होंने कोई अच्छी सलाह मशवरा देना चाहन भी दे सकेंगे। दो मिनट बाद साड़िया लेडीज भैन पढ़ बहुत शुक्र गुजार अली रजा का भी मेन इस ट्रैक ते लाया के मन दसा के यार तेरी एक मुश्किल नाल है के तू पतंते कर सकना अली पतंते सेंटर के जरिए बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हाँ की उसने सानू इस राय रास्त मतलब लगाया वे इस माशाल्लाह। वेखो जी अली रजा साहब नु असीं वी उहनां दा शुक्रिया अदा करने आ साडे नाल जोड़िया उहनां ने गेदी तूने बड़े अच्छे दोस्त ने ओ एक पास हो गया कि उहनां ने कियां नु जोड़िया चार पांच दोस्तां नु जोड़िया और नाल दुआ भी करदे रहंदे ने भी अल्लाह इहनां नु कामयाब करे। एक सतरादा ही बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा अच्छी कोशिश हैगी है कि इहदे च देखो मुहब्बत वधदी है और तुसां अपने टीचर वास्ते भी दुआ करदे हो जिन्हें तुहानू इस लाइन ते लाया उहदे वास्ते भी दुआ करदे हो। वाकई अल्लाह ताला भी बड़ी मदद करता है, जेड़े दोस्त बैठे हुए ने बड़े एक साफ सुथरी कोशिश मेहनत वास्ते बैठे। दूसरा एक जिहाद भी तुसी करदे हो अपने आप नाल, अपने नफ्स नाल, अपनी इंटरटेनमेंट नाल, ते बड़ी हिम्मत दी गल है जी तुहाडी। ते अपना शहजाद साहब जी सर, तुसा की मतलब एक तुहाडे सामने हैगा सी पतंते करन दी मेन वजह की सी? सर जी मेन वजह ऐ थी कि काम ते आण जाण दी बहुत ज्यादा मुश्किल सी। किस तरह जांदे सी पहले? बाजू का साइकिल ते जाना पैंदा सी, 8-9 किलोमीटर दूर या सफर सही है। अच्छा, फिर उस तो बाद मतलब है कि बड़ी मुश्किल नाल इक ते जॉब पे ते तुहानू पता है इटली च अच्छी जॉब नहीं मिलनी, बड़ी मुश्किल मिलनी है। अलहमदुल्ला जॉब ते मिल गई सी, लेकिन फिर जॉब ते पहुंचना, जॉब ते ना पहुंचो तुहानू पता है गोरे लोग ने जिहड़ा ना मनदे, फिर उस वास्ते बड़ी मुश्किल आ सन। ओ अली आया सी, अली मन दस्या, अली कहे के यार मैं इस तरीके नाल कर रहा हां। ओ इत्थे एग्जाम देके गया सी पजारो विच, मेरे को ते रेजिडेंस है इत्थे दी। फिर उस मनु उत्साह नाल अटैच कीता, कहंदा कि एक महीना तू लै क्लास ते फिर देख तू के बनना। ओ मैं लई क्लास, अलहमदुल्ला मन समझ आउणी शुरू हो गई। उस तो बाद फिर मैं फिर इरादा कर लिया कि यार मैं करना ही करना है इंशाल्लाह। शहजाद भाई जिस टाइम तुसा फर्स्ट टाइम पतंते दी बुक देखी, सवाल जवाब देखे, तुहानू कैसा लगा कि ए सही है हो जाएगा काम? सर जी फर्स्ट टाइम देखो नहीं बंदे नू आंदा, बंदा माइंड च देख। मैं तुहानू दसना, एक मेरा दोस्त है, ओ उसने उस ओ इत्थे साडे पजारो दे विच ट्रांसलेटर है, कमूने विच या के पिछे उसको लाइसेंस है इटालियन दा ना, और बाकी जेडे लोग नु ना बस ओ जुगाड़ ही लाया, जिस तरह पंजाबी च कहंदे ना कि पाकिस्तान नु मंगा के ट्रांसलेट करके, जिस तरह बहुत कम लोगों को है। ओ मेरे ज़हन च ऐसी कि यार इसनु अच्छी इटालियन नाम भी है, इस वास्ते ने कर लिया। सानू साडे वास्ते बड़ी मुश्किल चीज है दी, असी शायद ही कर सकिए, नामुमकिन तो कोई चीज नहीं लेकिन शायद ही कर सकिए। लेकिन अली रजा जेड़ा सानू ट्रैक दिता है और इस नु असी जेड़ा इस तो बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड हो, बहुत ज्यादा। और मैं बहुत सारे दोस्तों नु मशवरा देना इस नु कि तुसी जेड़ा अली पतंते सेंटर नु ज्वाइन करो ताकि तुसानू जेड़ा ना अपने जिंदगी ना सफर अच्छे तरीके ना गुजार सको। और मेरा दोस्त अज गल्लां जो गल हो रही है सर जी, एक मेरा दोस्त है अज दी गल है कि ओ जॉब उसनु मिली है लेकिन जॉब वैकेंसी भी है, सिर्फ इस वजह तो नहीं मिली कि देखो लाइसेंस नहीं है। अपनी पढ़ाई ते कुछ पढ़ाई दे बारे ट्रिक दसना चाहे ते दस सकदा है जी। फेसबुक वाले दोस्तां नूं कुछ कहना चाहे, उस लफ्ज़ाई वास्ते कोई तरोला बोलना चाहो बोल सकदे हो जी। माइक खोलो और बोल दियो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ना कैसे तैयारी करूं, क्योंकि मुझे एक महीना हो गया मैंने शुरू किया, लेकिन मुझे समझ अभी तक नहीं आ रही कि मैं मतलब कैसे, मुझे लगता है मुझसे होगा नहीं, क्योंकि इटालियन मेरी इतनी खराब नहीं है,
लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे तैयारी करूं। ठीक है जी। अच्छा तुसा सिस्टर कितना टाइम देंदे हो अपनी क्लास, जिस टाइम क्लास लांदे हो पढ़ रहे होंदे वेरो सवाल फालसो मैं पढ़ा रहा होना, तुहानू समझ उस टाइम आ रही होंदी है? जी उस टाइम आ रही होती है, ठीक समझ। ठीक है, बाद च रिवाइज कर दियो फिर नहीं समझ आती? नहीं तब मैं भूल जाती हूँ अक्सर। ठीक है जी। अच्छा सबक रिवाइज करन तो बाद क्लास लान तो बाद कितना टाइम तुसी रिवाइज कर दे हो, होमवर्क कर दे हो? ऐसा रोज तो नहीं करती लेकिन जी है कि कर लेती हूँ क्योंकि मेरी टाइमिंग मैच नहीं हो रही अभी। मैंने बहुत जी ज्यादा टाइम तुसी नहीं दे सकते मतलब है जी। ठीक है जी। अच्छा गुड हो गया। मैं सिस्टर तुसानू एक कहांगा कि स्टार्ट विच जाहिर है सारे वर्ड्स सारे परोले नवे ने तुहाडे वास्ते है ना, ते क्योंकि इस तू पहला तुसी कोई स्कूल पढ़े हो या कोई क्लासां लियां होवन या कोई ऐसी स्टडी कीती हो इस तरह दी? नहीं जो पतंती की है वो मैंने फर्स्ट टाइम अभी आपसे बस शुरू किया। फर्स्ट टाइम शुरू, बस यही मसला है। मैं तो सानू जरूर कहांगा एक महीना तकरीबन 20 दिन इस तरह लग जांदे क्योंकि सारे ही लफ्ज़ तुहाडे वास्ते नवे ने है ना, राफी गुरातो भी नवा है जो जो अगे चल हूं राफी गुरातो दा तो मीनिंग आ गया होना तुहानू सर ने राफी गुरातो मतलब के जेड़ा सिग्नल दिखाया गया जेड़ा शो कीता गया है ना जी। ते ओ ए चीज है जो जो टाइम गुजरेगा एहो ही लफ्ज तुहानू दोबारा मिलनगे, फिर न्यू लफ्ज घट जाणगे पुराने लफ्ज आना शुरू हो जाणगे। ठीक है टाइम तुसी दियो, डेढ़ महीना दो महीने बाद तुसी देखोगे तानू इजी लगेगा। पढ़ाई दा मैं तानू ये दसना तकरीबन 3 महीने दा एस्टीमेट रखो, 2-3 महीने च स्टूडेंट कवर कर जांदा है। पढ़ाई दा हिसाब है कि पहला गड्डी चढ़ रही है तुहाडी क्योंकि सारे लफ्ज तुहाडे वास्ते नवे ने, उस तो बाद एक टाइम आना है तकरीबन 1.5 महीने बाद फिर तुहाडी गड्डी इंज जिवें कि उतराई च ढलना शुरू हो गई। ढलाई विच ते पता है आपे ही गड़ी फिर टुरना शुरू हो जांदी है, ए चीज है। ते स्टार्ट विच थोड़ा जिहा तुहानू करना पैणा है, इस नू मेहनत भी करनी पैणी है और सबर भी करना पैणा है। ठीक है, हिम्मत तुसी नहीं हारनी पैण जी, और अस तुहाडे नाल नाल आ इंशाअल्लाह। मैक्सिमम 1 साल दा मैं टाइम लैणा स्टूडेंट तों, 1 साल सर जी गल करनी सी, इन्हां नूं मुश्किल आ रही है कि जिहड़ा ना तुसीं मतलब है कि समझ नहीं आ रही कि तुसीं कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, लेकिन एक चीज जिस टाइम तुसानूं परोले पढ़ने आ गए ना, तुसाने एक दफा मतलब तुहानूं दिमाग दा पढ़ना आ गया कोशिश करनी है, जेकर सवाल गलत होंदा है या फिर कुछ मसला होंदा है गौर करनी है कि होया क्यों, किस लफ्ज़ दी वजह तों गलत होया, आस्ते आस्ते इस तरह ठीक हो जाएगा। मैं खुद पतंते कीता है जी तकरीबन, मैं शुरू तो ते मायूस हो जांदा सी, परेशान हो जांदा सी कि यार ये मेरे को नहीं होना, उदू टीचर भी नहीं सी, मैं घर बैठ के लगा रहा डिक्शनरियां दे जरिए, लेकिन मैं देखा है कि तकरीबन अद्धी बुक तक इस तरह ही रहा, जिस तरह मैं मिसाल दी है ना कि गड्डी चढ़ती है तो जोर ही ला रही है, चढ़ जा रही है और मुश्किल ही लगता पाया, लेकिन अद्धी बुक तो बाद मैं अचानक ही ईजी लगना शुरू हो गया कि ओ ही परोले ओ ही वर्ड्स दोबारा आ रहे ने और मनु ना दा मीनिंग आंदा है, मनु समझ आना शुरू हो गई। और शहजाद साहब वाली गल जिस टाइम समझ आना शुरू हो जाती है बंदा इंटरस्ट शौक भी बढ़ता है, फिर बंदा कहता है हाँ यार एक सकेदा और करो, फिर गलतियां घटदिया ने एक सकेदा और करो, जे एकदम फिर 12 हो जाए बंदा कहता है डेढ़ महीने की बात, डेढ़ महीने तक थोड़ा प्रॉब्लम आती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, डेढ़ महीने तक कुछ नहीं लगता समझ की लिखा हुआ आ रहा है क्या नहीं आ रहा ना, जैसे निकल जाता है उसके बाद बहुत आसान लगता है, बहुत ज्यादा आसान इजी लगता है, बस बस यही है। ਦਰਜੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਐਪ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸਲਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਨੇ ਨਾ ਕਮ ਅਜ ਕਮ 8 ਜਾਂ 9 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਿਡ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ੂਮ ਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਓਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਆ ਜੀ ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫੂ ਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਮਸਲਨ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸੂਟ ਕਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ 100% ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਪਤੈਨਤੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜੇ 1 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 2 ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-2 ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ 3 ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਲੈਦਾ ਅਲੈਦਾ ਟੋਪਿਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਸਲਨ ਜੀ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਪੇਰੀਕੋਲੋ ਖਤਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿਵੀਏ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪੇਰੀਕੋਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਦਿਵੀਏ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਰਡਸ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਗੱਡੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੋ ਬਸ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ 5-7-8-10 ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ 7-8 ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰ ਜੀ ਅਜੇ ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ 9 ਵਜ ਗਏ ਜੇ 7-8 ਆ ਗਈਆਂ ਲੋ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਵਜ ਗਏ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਕਾ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਚੋਕੀਆਂ ਚੋਕੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ ਯਾਰ ਭਾਈ ਚਲੋ ਪਰੋ ਕੋਈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਓ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ
और इस विच मैं एक और बस एक छोटी जी कर्ज करना चाहता था कि देखो असी एक पतंते की बुक पढ़ी है कि असी इस रोड के उत्ते अटालिया के रोड के उत्ते अपनी गड्डी सही तरीके नाल चला सकी अपने आप नूं बचा सकी हर एक चीज नूं बचा सकी ना। इस तरह सर जी एक साडी एक जिंदगी दी किताब है जिन्हों कुरान पाक कहंदे ने किसे मजहब वास्ते नहीं के लाजमी नहीं के मुसलमान ही पढ़ सकते हैं या फिर क्रिश्चियन पढ़ सकते हैं। हर एक वास्ते राय रास्ता है ते कोशिश करो अपनी जिंदगी ने या अपनी जिंदगी ने जरा ना कीमती टाइम विचों किसी भी जिंदगी उम्र के हिस्से इसते मुतालिया जरूर करो चाहे तुसी किसी भी मजहब नाल तलक रखते हो चाहे किसी भी कौम नाल तलक रखते हो लेकिन इसके उपर तुसी जरा ना अपना जिंदगी ने किसी भी हिस्से ते जिस टाइम सानू टाइम मिले तुसी इस नू लाजमी पढ़ो इस दे विच तुहाडी जिंदगी ने असूल लिखे कि तुसी जिंदगी दा ट्रैक तुहाडा की है तुसी इस ट्रैक ते चलोगे तुहाडी असीं वी मशरकी लोग हाँ साडी खानदान नाल पहचान हुंदी है असीं अपने खानदान नाल पछाणे जांदे हाँ ते इस दे विच खानदान जां फैमिली नाल बणदा है बच्चियां नाल पेरेंट्स नाल सही है तो और इस दे विच जिंदगी ने पूरे असूल तुहाडे लिखे ने कि तुसी बच्चियां दे हक हकूक बीवी दे उस तों बाद तुहाडे वालदैन दे सारे जिंदगी ने एक रिक्वेस्ट है कि जिंदगी ने जिस टाइम भी तुहानू टाइम मिले ना इस दे उपर लाजमी मुतालिया करियो इंशाल्लाह तुहानू माशाल्लाह जी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वर्ड्स ने जी जज़ाकअल्लाह सोनी थैंक यू साहब बहुत करना थैंक यू जी शहजाद साहब दोबारा कांग्रेचुलेशन थैंक यू वेरी मच साहब जी बहुत शुक्रिया ऐसी दुआ करते हैं अल्लाह सब नु कामयाब करे आमीन थैंक यू वेल डन